तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेज मंचूरियन। इसे हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और सभी लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना जोम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम मंचूरियन बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने इन सारे वेजिटेबल्स को कट करके तैयार कर लिया है। एक बॉल में 2 कप बारीक चौपकी हुआ कैबेज यानी कि पत्ता गोभी लेंगे, 1 कप बारीक चौपकी हुई गाजर, 1/2 कप चॉप कैप्सिकम, 1/4 कप बीन्स, 1/4 कप स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट, 1 बड़ी चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस। इन्हें थोड़ा मिक्स कर लेंगे। हो सके तो आप वेजिटेबल्स को इस तरह बारीक चॉप करके ही लें, इसे ग्रेट ना करें। ग्रेट करने से वेजिटेबल्स पानी ज़्यादा छोड़ते हैं और फिर बाइंडिंग के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर भी ज़्यादा डालना पड़ता है और फिर इसे खाने में भी इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं और आपके पास समय भी कम है तो इन्हें आप ग्रेट कर ले या फूड प्रोसेसर का यूज़ कर ले और फिर इन वेजिटेबल्स को नमक डालकर 5 मिनट साइड में रख दे और फिर 5 मिनट के बाद इन्हें निचोड़कर पानी निकालने के बाद यूज़ करें। अब इसमें हम 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे और 1/2 कप मैदा। इन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें यहाँ इसे रोटी के आटे की तरह ज़्यादा मसल कर डो नहीं बनाना है। हमें इसमें इतना ही आटा डालना है जिससे कि इसमें एक अच्छा बाइंडिंग आ जाए। बिना पानी डाले ही बस हल्के हाथों से इसे कंबाइन कर लेना है। कुछ इस तरह का बाइंडिंग आ जाना चाहिए कि आप इसे आसानी से शेप दे सकें। फिर हाथों को क्लीन करके उस पर तेल लगाकर मंचूरियन बॉल्स तैयार करते जाएंगे या फिर आप इसे डायरेक्टली गरम तेल में पकौड़े की तरह भी तल सकते हैं। तो ये सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इन्हें बारी बारी से तलते जाएंगे। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इन्हें हमें हाई फ्लेम पर नहीं तलना है वरना बाहर से तो अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। ये हल्के फ्राई हो जाए फिर हम इन्हें बीच बीच में इस तरह चलाते जाएंगे ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये मंचूरियन बॉल्स वेजिटेबल से भरे और कितने कलरफुल लग रहे हैं क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए इसमें कम आटा यूज़ किया है। लास्ट में 1/2 से 1 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है ताकि इसमें एक अच्छा डार्क कलर आ जाए। तो ये मंचूरियन बॉल्स अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनमें एक अच्छा ब्राउन कलर भी आ गया है तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी के मंचूरियन बॉल्स को भी हम इसी तरह तल लेंगे। एक पेज को तलने में मुझे करीब 5 से 6 मिनट का समय लगा है। आप चाहे तो इन बॉल्स को डायरेक्टली ऐसे ही गर्मा गर्म खा लें, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए कोई भी एक आयरन की कढ़ाई या वॉक ले लें। फिर 1 बड़ा चम्मच तेल लेके इसे इस तरह स्प्रेड कर लेंगे क्योंकि हम इसे हाई हीट पे कुक करने वाले हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप यानी कि 4 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ लहसुन। साथ ही में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ और 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्च। इन्हें हम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए उतना पकाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच चौपकी हुई अदरक और इसे भी थोड़ी सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अदरक और लहसुन का यहाँ ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि इससे ग्रेवी का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। मैं यहाँ लाल, हरी, पीली तीनों शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ हरी वाली का भी यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हल्का सा पका लेंगे। हम इन्हें थोड़ा ही पकाएंगे ताकि इनमें क्रंच बना रहे। 1 चुटकी जितनी चीनी भी ऐड कर देंगे, बस थोड़ी सी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इन्हें करीब 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें सारे सॉसेस ऐड करेंगे लेकिन क्योंकि हम इन्हें हाई फ्लेम पर पका रहे हैं और सब्जियां जल न जाए इसलिए पहले हम इसमें थोड़ा 1/4 कप जितना पानी ऐड कर लेंगे। अब सारे सॉसेस ऐड करेंगे। 2 बड़ी चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस,
एक छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। आप तीखा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। दो बड़ी चम्मच टोमेटो केचप। ये सारे सॉसेस के टेस्ट को बैलेंस करने में मदद करेगा। इन्हें अब अच्छे से मिला लेंगे। सारे सॉसेस डालते वक्त एक छोटी चम्मच विनेगर भी ऐड कर लें। विनेगर ऐड करते टाइम मैं कैमरा को ऑन करना भूल गई थी, तो आप यहाँ विनेगर ऐड करना ना भूलें। थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि सारे सॉसेस में भी ऑलरेडी नमक होता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसे मिला लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से आप मिला लेंगे। एक उबाल आने पर हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन के वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक उबाल आ जाए फिर थिकनेस के लिए हम उसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच यानी कि 1/4 कप पानी, और इसे हम मिला लेंगे। इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। इसे सारा एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा ऐड करें फिर मिला लें। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना आ जाए। बाकी की कॉर्नफ्लोर स्लरी भी ऐड कर लेंगे। ये ग्रेवी जैसे जैसे पकती जाएगी ये थिक होती जाएगी। अगर आप इसे और ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो और कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। अगर आप ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी बहुत ही कम डालें और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी भी घटा दें। ये ग्रेवी की अब एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो इस स्टेज पर हम हमारे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर लेंगे। इसमें एक उबाल आने तक इन्हें पका लेंगे। मंचूरियन बॉल्स को आप सर्व करने के 5 मिनट पहले ही ऐड करें, वरना ये खाते टाइम सोगी हो जाएंगे। तो इसमें एक उबाल आ गया है और हमारे मंचूरियंस भी ग्रेवी के साथ अच्छे से कुक हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मंचूरियन बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। जब आप ये मंचूरियन बॉल्स खाएंगे ना तो ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो आप भी इस आसान और डिलीशियस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाएं। आप इस मंचूरियन को नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।